हेलो फ्रेंड्स, सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमए कोर्स में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल में से मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 17, 18 एंड 19 के बारे में। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको इलस्ट्रेशन नंबर 17 में कौन सी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई पी लिमिटेड यूजेस थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, दैट इज ए बी एंड सी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट बनाने प्रिपेयर करने के लिए ए बी एंड सी जो कुछ भी थ्री टाइप्स के मटेरियल है उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमको मंथली कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर प्रोडक्ट ए के लिए दिया हुआ है नॉर्मल यूसेज इन टर्म्स ऑफ यूनिट में दिया हुआ है कि भाई 200 यूनिट का यहाँ पे मटेरियल ए का नॉर्मल यूसेज हो रहा है। उसी प्रकार से बी एंड सी का भी दिया हुआ है। उसके आगे हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम यूसेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लास्ट में हमको रिओर्डर क्वांटिटी कितनी है एंड रिओर्डर पीरियड कितना है ये हमको इन मंथ में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिओर्डर पीरियड के लिए 2 to 3 लिखा हुआ है। ओके, यदि हमको मिनिमम रिओर्डर पीरियड चाहिए तो हम 2 लेंगे, मैक्सिमम चाहिए तो हम कितने लेंगे, 3 लेंगे। ओके, यदि हमको एवरेज या फिर नॉर्मल लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 / 2, तो हमको कितने मिलेंगे, 2.5। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रीऑर्डर लेवल की। तो उसकी फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर प्रोडक्ट ए का है 300 यूनिट्स एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है 2 to 3, मतलब कि 3 यहाँ पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड रहेगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 900 यूनिट्स मिलेगा, जो हमारे रीऑर्डर लेवल मिल गया है। ओके, आप तो इस प्रकार से बी एंड सी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मिनिमम लेवल की। ओके, तो उसकी फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हमको रीऑर्डर लेवल लिखना है जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है। ए प्रोडक्ट का कितना है कि भाई 900 यूनिट्स है। ओके, उसमें से हमको क्या लेस करना है कि भाई नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्मल कंजम्पशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले वाले जो कुछ भी क्या कहते हैं रो में दिया हुआ है नॉर्मल यूसेज, इसको हम नॉर्मल कंजम्पशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे ए प्रोडक्ट का कितना है कि भाई 200 यूनिट। ओके, एंड नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड जो मैंने आपको फर्स्ट ऑल जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि भाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड के लिए इन दोनों के हम एवरेज निकालेंगे 2 + 3 / 2, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2.5। ओके, तो 2.5 × 200। ओके, तो हमको कितने मिलेंगे, 500 मिलेंगे। 900 - 500, तो हमको यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट ए के लिए मिनिमम लेवल मिल जाएगा, वो आएगा 400 यूनिट्स। ओके, तो आप इस प्रकार से बी एंड सी प्रोडक्ट का भी सॉरी मटेरियल का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैक्सिमम लेवल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल, उसके अंदर हमको ऐड करना है रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था रीऑर्डर लेवल हमारे पास है 900 एंड क्वेश्चन में हमको रीऑर्डर क्वांटिटी भी दी हुई है, वो कितने है कि भाई मटेरियल ए की है 750 यूनिट्स। ओके, अब हम आगे बात करेंगे उसमें से क्या लेस करना है कि भाई मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम सॉरी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनिमम यूसेज वो ए मटेरियल क्या है 100 एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो हमारे प्रोडक्ट ए का है 2। ओके, 2 मंथ, तो यहाँ पे 100 × 2 करेंगे तो हमको 200 मिलेंगे एंड 900 + 750 - 200 करेंगे तो हमको मटेरियल ए के लिए मैक्सिमम लेवल मिल जाएगा 1450 यूनिट्स। ओके, तो आप इस प्रकार से बी एंड सी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं एवरेज स्टॉक की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्टॉक के 2 फॉर्मूला है। दूसरी वाली फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमने जो कुछ भी आंसर लिखा हुआ है उसके लिए यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन से वाले फॉर्मूला यूज़ किए, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम लेवल हमारे पास हमने जो सेकंड वाले पार्ट में फाइंड आउट किया है वो कितना है, मटेरियल का है 400 यूनिट्स। ओके,
रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, कभी 750 है, उसको सबसे पहले हम हाफ करेंगे एंड तो हमको कितने मिलेंगे, 375। उसके अंदर हम 400 ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, प्रोडक्ट ए का एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा 775 यूनिट्स। ओके, तो आप इस प्रकार से जो कुछ क्वेश्चन नंबर 17 आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो 18 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको स्टोर लेजर अकाउंट बना प्रिपेयर करना है एज पर स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के थ्रू। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कुछ ट्रांजेक्शन दिए, कभी जनवरी मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई, कभी थर्ड वाली डेट पे परचेस किया हुआ है 800 यूनिट्स है, पर यूनिट प्राइस कितने है, कभी 20 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है। ओके, उसी प्रकार से 8 वाले डेट में भी परचेस किया हुआ है। इस प्रकार से हमको कई सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखा है, कि स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज 20 रुपीज़ फिक्स फॉर द ईयर 2015। ओके, तो यहाँ पे हम जो कुछ भी इश्यू करेंगे, ओके, तो उसके लिए कौन सी प्राइस हम यूज़ करेंगे, कि भाई हम यहाँ पे 20 रुपीज़ लिखा हुआ है वो हमारे स्टैंडर्ड प्राइस पे हम इश्यू करेंगे। ओके, एंड परचेज के लिए तो यहाँ पे हमको पर यूनिट प्राइस दी हुई है। ओके, चलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके साथ में हमको जो कुछ भी प्राइस वेरियंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वो भी हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हमको यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। वहाँ पे डेट, रिसीट, इश्यू एंड बैलेंस के कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे। रिसीट एंड इश्यू के अंदर क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू के कॉलम प्रिपेयर करेंगे एंड बैलेंस के कॉलम में केवल हम क्वांटिटी एंड वैल्यू के ही कॉलम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले थर्ड डेट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो वहाँ पे परचेज लिखा हुआ है तो हम रिसिट के कॉलम में पुट करेंगे। ओके, कितने यूनिट है, कभी 800, तो क्वांटिटी के कॉलम में पुट कर दिया है। 20 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस के कॉलम में 20 रुपीज़ लिख दिया है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे वैल्यू, कभी 16,000 हमको वैल्यू मिल गई। यही हम सारी चीज़ें हम यहाँ पे बैलेंस के कॉलम में पुट कर देंगे, भी 800 क्वांटिटी है एंड वैल्यू कितने हैं, कभी 16,000 है। ओके, दूसरा वाला ट्रांजेक्शन भी परचेज का ही है 8 डेट पे। ओके, वहाँ पे कितने हैं, 700 यूनिट्स एंड 18 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, तो वो भी यहाँ पे पुट कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू कितने मिल जाएगी, भी 12,600 वैल्यू आ जाएगी। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितने क्वांटिटी मिल जाएगी, 1500 एंड वैल्यू भी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 28,600 रुपीज़। ओके, चलिए अब हम इश्यू के यहाँ पे हमको हमने नाइट डेट में इश्यू किया हुआ है, कितने यूनिट है, कि 600 यूनिट्स है, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी कॉलम में 600 लिख दिया है। यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है 20 रुपीज़, तो हम यहाँ पे इश्यू के कॉलम में प्राइस के कॉलम में 20 रुपीज़ लिख देंगे। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, 12,000 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बैलेंस के कॉलम में हमारे 1500 बैलेंस थे, उसमें से 600 यूनिट हमने इशू कर दिए, तो कितने बचेंगे, केवल 900 यूनिट्स। ओके, एंड क्वांटिटी भी सॉरी वैल्यूज़ भी हमारे डिक्रीज हो जाएगी, 12,000 रुपीज़ डिक्रीज हो जाए। ओके, कितनी हो जाएगी, कि 16,600 रुपीज़। ओके, चलिए अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं। 11 डेट पे कौन सा ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे भी इश्यू का ही है, कितने यूनिट है, कभी 800 यूनिट, तो क्वांटिटी कॉलम में 800 लिख दिया है। प्राइस हमारे पास 20 रुपीज़ है। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, 16,000 रुपीज़। ओके, हमारे पास क्वांटिटी जो कुछ भी थी बैलेंस में वो बढ़ के सॉरी डिक्रीज होकर कितने हो जाएगी, 100 यूनिट्स हो जाएगी। ओके, उसी प्रकार से हमारी वैल्यू भी 16,000 डिक्रीज हो जाएगी, तो हमको कितने मिलेंगे लास्ट में, 600 रुपीज़। ओके, चलिए 17 जनवरी पे कौन सा ट्रांजेक्शन है, कभी परचेज का है, यहाँ पे 800 यूनिट्स परचेज किए हैं, उसके पर यूनिट प्राइस कितने हैं, कभी 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 रुपीज़ हमको मिलेंगे। ओके, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमको बैलेंस बढ़ के कितने हो जाएगी, भी 900 यूनिट्स एंड 16,600 वैल्यू। ओके, दूसरा वाला ट्रांजेक्शन क्या है, वो भी परचेज का है, यहाँ पे 500 यूनिट्स है। ओके, एंड 25 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, तो हमको कितने वैल्यू मिलेगी, 12,500। ये भी हम बैलेंस के कॉलम में ऐड कर देंगे तो हमको कितने वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी क्वांटिटी मिलेगी, 1400 यूनिट्स एंड वैल्यू हमारे बढ़ के कितने हो जाएगी, कि भी 29,800 रुपीज़। ओके, लास्ट में कौन सा ट्रांजेक्शन है इश्यू का,
वो कितना है 1000 यूनिट, ओके 20 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस, तो 20,000 रुपीज़ हमको मिलेंगे। यहाँ पे हम इतने डिक्रीज हो जाएंगे, हमारे क्वांटिटी कितने हो गई है कि भाई 400 यूनिट्स, ओके। एंड लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी बची है, एक्चुअल वैल्यू वो आई है 9,100 रुपीज़, ओके। यहाँ पे हमको साथ में क्या फाइंड आउट करना है कि भाई मटेरियल प्राइस वेरियंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, उसमें से हम क्या लेस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लास्ट में बची है कि 400 यूनिट्स, ओके। स्टैंडर्ड प्राइस कितने है वो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 20 रुपीज़, ओके। उसमें से क्या लेस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल प्राइस, ओके। तो वो हमारे पास लास्ट में जो कुछ भी वैल्यू के कॉलम में बचा हुआ है वो ही है, ओके। कितने हैं कि भी 9,100 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8,000 रुपीज़ मिलेंगे, उसमें से हम 9,100 लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि भी 1,100 रुपीज़ मिलेंगे, ये लेस में आया है आंसर। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हमारे जो कुछ भी मटेरियल प्राइस वेरियंस है वो अनफेवरेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, ओके। तो अब इस प्रकार से लेस्टेशन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम 19 के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी है वो कितना का लोड परचेज करती है कि 500 बुक्स का, ओके। इन विच इज़ अ 3 मंथ सप्लाई, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि भाई एवरी 3 मंथ यहाँ पे 500 बुक्स का परचेज कर रहे हैं, ओके। तो हम कह सकते हैं पूरे साल में कितने परचेज करेंगे भाई, यहाँ पे 3 मंथ में 1 टाइम्स, तो 12 मंथ में कितने आएंगे कि भाई 4 टाइम्स हम ऑर्डर करेंगे एवरी ईयर, ओके। तो हम यहाँ पे एनुअल डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई यहाँ पे 500 बुक्स है उसको हम 4 टाइम्स एनुअली हम ऑर्डर करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, जो कुछ भी हमारी एनुअल डिमांड है कि भी वो 2,000 हमारी एनुअल डिमांड आ जाएगी, ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई, यहाँ पे हमको प्राइस दी हुई है 125 रुपीज़, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 150, कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास है जो कुछ भी प्राइस के 20%, ओके। तो कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 25 रुपीज़ आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये टोटल एनुअल कॉस्ट यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी, ओके। एंड यदि हम ईओक्यू मेथड यदि यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ओके, तो उससे कुछ सेविंग होगी या फिर नहीं होगी वो भी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले ईओक्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके फॉर्मूला हमारे पास है, ओके। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एनुअल डिमांड फाइंड आउट कर लिया है, 500 × 4 इज इक्वल टू 2,000 यूनिट्स, ओके। यहाँ पे हमने 4 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 टाइम्स ऑर्डर 500 बॉक्सेस का ऑर्डर किया हुआ है, ओके। तो इस प्रकार से हमको एनुअल डिमांड मिल सकती है 2,000 यूनिट, ओके। तो यहाँ पे एक जगह 2,000 यूनिट्स लिख दे, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 150, सीसी मतलब कि कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 150, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना यू क्यों मिलेगा, 155 यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट के भी फॉर्मूला है, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने जो कुछ भी यू क्यू फाइंड आउट किया है 155 यूनिट्स, ओके, उसको पुट करते हैं हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला है ए इंटू प्राइस, एनुअल डिमांड हमारे पास 2000 है, प्राइस है हमारे पास 125, एंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओ क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे एनुअल डिमांड है 2000, ईओ क्यू हमारे पास है 155, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने है कि भी 150, उसके अंदर हम और भी क्या ऐड करेंगे, ईओ क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, ओके। ईओ क्यू है 155 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 25, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, वो आएगी 2,53,873, ओके। यदि हम जो कुछ भी इस टाइम हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं कि भाई एवरी 3 मंथ 500 बॉक्सेस का ऑर्डर करते हैं, तो उससे हमारे टोटल कॉस्ट कितने आएगी वो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए हमारे पास फॉर्मूला है, उसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे ई ओ क्यू लिखा है, उसके बदले हम 500 यूनिट्स लिखेंगे, ओके। यहाँ पे दो जगह पे ई ओ क्यू है, तो उसी दो जगह पे हम 500 यूनिट्स लिख देंगे, ओके। तो इस प्रकार से हमको टोटल कॉस्ट मिलेगी वो कितने आएगी भाई, 2,56,850 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ भी हम इस टाइम एग्जिस्टिंग हमारी पॉलिसी है 500 बुक्स के
तो उससे हमको कितना टोटल कॉस्ट आती है कि भी 2,56,815। यदि हम ईओक्यू वाली पॉलिसी अडोप्ट करेंगे तो उससे हमारा टोटल कॉस्ट कितना है कि भी 2,53,873 रुपीज़। तो हम कैसे कहते हैं यहाँ पे ईओक्यू वाले मेथड बेटर है, बेस्ट है, क्योंकि उससे हमारे टोटल कॉस्ट कम आ रही है। इससे हमारी सेविंग कितनी आएगी कि भी 2,977 रुपीज़। ओके, तो इट दिस मेथड इज़ बेस्ट। ओके, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ना पूछना ना भूलें। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।